प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर नेपाल के लुम्बिनी के आधिकारिक दौरे पर जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता दुनिया भर के बाजारों के लिए अवसर प्रदान करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय द्वारा सहारा इंडिया के मालिक सुब्रत रॉय को गिरफ्तारी करने के आदेश पर रोक लगा दी है। उच्चतम न्यायालय ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नेट पीजी 2022 स्थगित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। दिल्ली के मंडगा इलाके में 4 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग से 27 लोगों की मौत हो गई है। नीति आयोग ने जनता तक सरकारी डाटा पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय डाटा और एनालिस्टिक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि नगर निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण निर्धारित किए नहीं कराए जाएंगे। बिहार लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने कहा, इस बार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 27 मई तक केरल तट पर पहुंचने की संभावना है। आइए नजर डालते हैं अंत में मुख्य समाचारों पर एक बार फिर।